नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जे के स्टूडेंट फ्रेंड देसी भाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के अपडेट्स के बारे में। हम लोगों को बता दें कि लगातार बच्चों की नज़र जहां पर थर्ड और फिफ्थ सेम के बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन को लेकर है। आज आप लोगों को बता दें तमाम डिग्री कॉलेजों में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। खास प्रोटेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों को GDC कठुआ और GDC बिलावर में ही देखने को मिला। बाकी किसी भी कॉलेज ने यहाँ पर प्रोटेस्ट को लेकर आवाज़ नहीं उठाई। बट आप लोगों को बता दें कि हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे GDC बिलावर के तमाम स्टूडेंट्स हमें वीडियो क्लिप्स भी भेज रहे हैं जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी के हाई अथॉरिटी से अपील भी की है और ऑनलाइन ग्रीवेंस भी हमने खुद भी भेजी थी और काफ़ी बच्चों ने भी भेजी थी, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी का रिप्लाई आता है कि अंडर कंसिड्रेशन फिफ्थ सेम। तो आप लोगों ने बता दें अभी तक इनकी कंसिड्रेशन नहीं हुई, अभी तक इनकी विचारधारा का जवाब बच्चों के पास नहीं पहुंचा। बट आप लोगों को बता दें कि आपको डबल माइंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता भी है तो एक दो एग्ज़ाम ही आगे जा सकता है। अभी तक यानी कि 9 बजे तक मंडे को कोई भी अपडेट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है। अगर कुछ कोई नोटिस वगैरह निकलता है तो कल आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं। अगर नहीं आया तो एज़ पर शेड्यूल ही आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। मेरे ख्याल से कुछ काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे रो नंबर भी मिल गए हैं। प्राइवेट वालों के रो नंबर JUCC.N.IN की वेबसाइट से डाउनलोड होंगे, आप लोग ट्राई करते रहें। उधर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड एग्ज़ाम भी सक्सेसफुल हो गया है और तमाम बच्चों के पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। हम पेपर कलेक्ट करके इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं ताकि जो 12th क्लास में पढ़ रहे बच्चे उनको हेल्प मिलेगी। उधर बात करें थर्ड और फिफ्थ सेम के ओल्ड पेपर के बारे में, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चों को ओल्ड पेपर के लिंक्स और यहाँ पर ओल्ड पेपर पोस्ट किए हुए हैं जो हमारे पास हैं लिमिटेड पेपर। बट आप लोगों को बता दें कि सेकेंड और फोर्थ सेम के एग्ज़ाम मई महीने के आसपास होने की उम्मीद। सेकेंड और फोर्थ सेम के रीवेल का रिजल्ट भी आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है मार्च के आसपास। सेकेंड आप लोगों को फर्स्ट सेम और सिक्स सेम प्राइवेट्स के रिजल्ट्स भी जल्द ही आपके सामने होंगे। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि थर्ड फिफ्थ और फर्स्ट नॉन सीपीएस DD वालों के अभी तक कोई भी डेट शीट्स वगैरह का कोई मसला नहीं, उनके असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है वो यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो PG के फर्स्ट सेम डिस्टेंस के बच्चों की डेट शीट्स भी आने वाले हैं, उनके एग्जाम मार्च में होंगे और कोई बड़ा अपडेट्स अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। अगर आप लोगों को बता दें कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पोस्टपोन जा कुछ आगे कुछ ऐसी हट चल हुई तो आप लोगों को उसी टाइम वीडियो बना के हम डाल देंगे। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि रात के समय जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स वर्क नहीं करती है, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन की उम्मीद रात को ना लगाएं। कल आप लोग 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में उम्मीद रखें अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है तो। जिस तरह से आज स्ट्राइक हुई, मीडिया में जिस तरह से इशू को हाइलाइट्स किया गया, सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस जहां पे वायरल हुई, उनके मद्देनज़र कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। बट आप लोगों को बता दें कि अगर एक दो एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो उसमें आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी बच्चों की डिमांड, GDC बिलावर के काफ़ी बच्चे रात को भी वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हम जम्मू यूनिवर्सिटी के हाई अथॉरिटी से लगातार अपील कर रहे हैं। ऑनलाइन ग्रीवेंस हमने दोबारा भेजी है जिसमें थर्ड और फिफ्थ सेम के बच्चों के लिए बोला गया है। बाकी उसके रिप्लाई आने तक आप लोग इंतजार कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए या आप लोग इसी डेट शीट्स के तर्ज पर एग्ज़ाम देंगे। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे कमेंट करके जरूर बताएँ कि आपके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। और ऑल द बेस्ट। एडमिशन्स प्रोसेस भी जल्द आप लोगों को बता दें कि ओपन होने वाला है। उधर 10वीं 11वीं 12वीं की डेट शीट्स भी सिर पर है।